दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी से हारी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन को बचाने के लिए एम्पायरों ने दिया आउट हुए खिलाड़ी को नॉट आउट, तो मचा बवाल, भारत हार गया फाइनल मुकाबला। आखिरकार अब रोते हुए खुद एम्पायर रिचर्ड कैटलबोरो ने किया ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा कि सुनकर पूरा भारत देश रह गया हैरान। तो दोस्तों आखिर क्या बोले एम्पायर्स कॉल पर रिचर्ड कैटलबोरो, वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे और पूरा मामला भी बताएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से वर्ल्ड कप फाइनल मैच जीतने की हकदार कौन सी टीम थी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर शुरू हुआ और इस मुकाबले की शुरुआत कप्तान पैट कमिंग्स के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी और 50 ओवर में अपने 10 विकेट गंवाकर 240 रन बनाए और 241 रन का सामना करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे स्कोर को रखा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जब पारी की शुरुआत की थी तो उस दौरान शुभमन गिल मात्र 4 रन बनाकर ही आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा ने 47 तो विराट कोहली ने 54 रन बनाकर भारतीय टीम की लाज बचाई, जिसके चलते भारतीय टीम 240 तक पहुंच तो सकी। लेकिन यहां पर दोस्तों यह स्कोर ऐसा लग रहा था कि काफी कम है, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में 15 रन खाने के बाद जसप्रीत बुमराह के बाद तुरंत मोहम्मद शमी को लेकर आया गया और मोहम्मद शमी ने आते से ही डेविड वार्नर को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया और 7 रन बनाकर डेविड वार्नर की पारी यही समाप्त। इस दौरान ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को अपने जाल में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने फंसा के रखा हुआ था और ऊपर से फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी कप्तानी का हुनर दिखाते हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को रन बनाने नहीं देना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक साझेदारी की जहां ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने इस साझेदारी को आगे बढ़ाया और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में अब अपना जमावड़ा बनाती हुई नजर आई और दोस्तों आखिर भारतीय गेंदबाजी इस मैच में फ्लॉप सी साबित हुई। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में ट्रेविस हेड का शतक टीम इंडिया के लिए विलन बनकर साबित हुआ, जिसके चलते हम वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अपने हाथ से गवा बैठे। लेकिन दोस्तों इस मैच में एक बेईमानी का पल हम सभी को देखने के लिए मिला था, जब मार्नस लाबुशेन 50 रन पर पहुंचे भी नहीं थे और उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगने वाला था और कुछ मिलीमीटर से मात्र वो बच गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जसप्रीत बुमराह 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्नस लाबुशेन को LBW आउट की अपील करते हैं, लेकिन यहां पर रिचर्ड कैटलबोरो उनको नॉट आउट करार देते हैं और दोस्तों बाद में जब थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन पहुंचा तो उस दौरान पता चला कि है तो एम्पायर्स कॉल है, जैसा कि आप सब यहां पर तस्वीरों में भी देख सकते हो। और दोस्तों यह जानने के बाद भारतीय टीम का गुस्सा काफी भड़क गया क्योंकि मार्नस लाबुशेन ट्रेविस हेड के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे और दोस्तों रिचर्ड कैटलबोरो की मार्नस लाबुशेन की मिली भगत से वो बच गए। लेकिन दोस्तों बाद में जब रिचर्ड कैटलबोरो से पूछा गया कि आखिर उन्होंने भारत के खिलाफ यह फैसला क्यों दिया, तो इस पर खुद एम्पायर रिचर्ड कैटलबोरो कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि मार्नस लाबुशेन उस गेंद पर आउट होंगे, अगर मैं यह जान रहा होता तो मैं भारत के हित में ही फैसला देता क्योंकि मुझे भी भारत की जीत इस टूर्नामेंट में चाहिए थी। भारत इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन दिखा चुका है और हम सभी जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जीतने का असली हकदार भी भारत की टीम ही थी, लेकिन अब मुझ पर वो नॉट आउट करार दिए जाने के बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपए लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम से भारत के खिलाफ बेईमानियां की हैं और इसीलिए मैंने भारत को बचाया नहीं बल्कि भारत को और फंसाने का काम किया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं भारत के साथ हमेशा खड़ा हुआ हूं। मैं भारत को आज भी विजेता बनाता अगर मेरे से कुछ भी बन पाता, लेकिन आज टीम इंडिया का प्रदर्शन उस लेवल का नहीं था कि वो वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला जीत सके। उनकी फील्डिंग खराब थी, गेंदबाजी भी ज्यादा कारगर नहीं थी और बल्लेबाजी में तो वैसे भी भारत ने 240 रन बनाए थे। आखिर भला इसके बाद कैसे भारत की टीम जीत सकती थी? मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए थे कि भारत को जिताऊं, लेकिन इस मैच में भारत पहले ही मैच हार चुकी थी, मेरा विश्वास कीजिए। और अगर यकीन ना हो तो ICC मीटिंग बैठा ले और पता करे कि मैंने बेईमानी भारत के खिलाफ किया या फिर नहीं। तो दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हैं कि रिचर्ड कैटलबोरो जो कह रहे हैं वो सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।